हरियाणा में कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते 1 अप्रैल से लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए इन कर्मचारियों को भर्ती किया गया था और कोविड का सारा काम यही देखते थे। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सेवा बहाली को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और आज इनके द्वारा फतेहाबाद लघु सचिवालय में भी प्रदर्शन किया गया। नागरिक अस्पताल से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए यह कर्मचारी पहुंचे और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों का कहना था है कि हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि 2 वर्ष कोविड काल में उनके द्वारा बेहतरीन सेवाएं दी गई और बिना डरे लोगों की सेवाएं की गई हैं। जब कोरोना काल में सड़कें खाली होती थी, उस समय यही कर्मचारी काम करते दिखाई दे रहे थे, इसलिए इनकी सेवा बहाली की जाए। इसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है और सरकार से मांग की गई है। हमारी मेन मांग तो ये है कि जो भी कोरोना के अंदर जो कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं, उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करी है। आप ये बात जनता से भी जाके पूछ सकते हो भी उन्होंने कैसी सेवा की है, कितना उनका योगदान रहा है कोरोना के अंदर। और बहाली के बाद हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर NHM आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो भी बहाली का आगे रिन्यूअल आएगा वो NHM के अंदर आना चाहिए या रेगुलर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए हमारा, भी जो भी कोविड के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका। तो प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं जो अब निकाल दिए गए? 3,000 से 3,500 के बीच कर्मचारी हैं जो प्रदेश से निकाल दिए गए हैं, और सबका ही कोरोना के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि सरकार के देखा जा रहा है, सरकार ने शुरू से ही देखा है कितना योगदान रहा है। फर्स्ट लेयर से लेकर तीसरी चौथी लहर तक भी हमारा योगदान रहा है। तीसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई पूरी कंप्लीट, अभी भी थोड़े थोड़े केस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी केस नहीं आ रहे। इसका कारण ये रहता है कि कोविड में जो भी कर्मचारी हटा दिए गए हैं, उनका हटाने के बाद सैंपलिंग नहीं हो पा रही, टेस्टिंग नहीं होगी, तो कोरोना के पॉजिटिव या नेगेटिव केस का अपने को कैसे पता चलेगा, लेकिन कोविड अभी गया नहीं है। अब जो वहाँ का जो काम है वो ठप पड़ा है, सारा का सारा काम ठप पड़ा है, और जिनकी फ्लाइटें हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। प्रिजनर को लेके पुलिस वाले जो भाई हैं हमारे वो वहाँ जा रहे हैं, उनसे भी आप ये चीज़ पूछ सकते हो भी उनको कितनी दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है, और वहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, तो बहुत ही ये बुरा दृश्य देखने को मिलता है। हमारी जो भी ड्यूटियाँ वहाँ थी वो सारा का सारा ठप पड़ा है काम। हमारा अभी तो हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के साथ चल रहे हैं जी। अगला स्टेप हमारे जो भी पदाधिकारी ऊपर जो बोलते हैं हमारा वही स्टेप रहेगा, बाकी हम सारा का सारा जो भी धरना प्रदर्शन है जो भी है सारा शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं, और बाई रिक्वेस्ट हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी कर्मचारियों को निकाला गया है उनकी बहाली कर दी जाए पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्यारे प्रदेश के अंदर जिन्होंने कोरोना को हरा के और पूरे प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से बचाया है, उनकी बहाली कर दी जाए। कोरोना के सैंपल कौन ले रहा है? अभी कोविड के सैंपल कोई नहीं ले रहा, फोर्थ क्लास भी ले रहे हैं 1-2 सैंपल जो एंटीजन के हो रहे हैं, RT-PCR का कोई सैंपल नहीं हो रहा, और स्वीपर और फोर्थ क्लास भी सैंपल ले रहे हैं कोरोना के, लेकिन उनको सैंपलिंग का पहले कोई अनुभव नहीं है, वो अभी सैंपल ले रहे हैं। प्रदीप गोदारा फार्मेसी ऑफिसर के पद के ऊपर यहाँ काम कर रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में, कर तो रहा था, अभी तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने निकाल दिया है, पहले कर रहा था।